नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसके। आज हम बात करेंगे कि झारखंड राज्य के अंदर किसी भी जिले में अगर आपका रजिस्ट्री जमीन है तो आप लगान अवश्य देते होंगे, और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने पड़ते होंगे। आज हम बात करेंगे कि अपना लगान का रसीद खुद से आप मात्र 5 मिनट के अंदर घर बैठे कैसे काट सकते हैं, और एक्स्ट्रा पैसे जो पे करने पड़ते थे उससे भी आप बच सकते हैं मात्र 5 मिनट में, और बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप और समझते हैं कि किस तरह इस प्रोसेस को हम बहुत ही आसानी से मात्र 5 मिनट में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे झारभूमि.nic.in, और ये जो पहला वाला जो लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग चूज करेंगे ये ऑनलाइन लगान। तो ऑनलाइन लगान पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला रजिस्टर देखें, दूसरा बकाया देखें, तीसरा पिछली भुगतान देखें, चौथा ऑनलाइन भुगतान करें, और पांचवा भुगतान की स्थिति देखें। तो हमें करना क्या है, ऑनलाइन भुगतान करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन भुगतान करें, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ फॉर्म ओपन होगा, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, और ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी आपका जो दस्तावेज जो बना हुआ है ज़मीन का, अगर आपके पास रसीद है तो उसमें ये सारा ब्यौरा दर्ज होता है, या फिर आपके पास में जो कोर्ट से बनी ज़मीन का जो पेपर है उसमें आपको ये सारा ब्यौरा दिख जाएगा। वहाँ से आप इसे चूज करके और इसे भर लेंगे। तो यहाँ जिले का नाम पहला में, तो जिले का नाम अपना यहाँ भर लेंगे। उसके बाद अंचल का नाम यहाँ भर लेंगे, और यहाँ दिया हुआ है हल्फा, यहाँ अपना हल्फा कौन सा हल्फा है आपका, किस हल्फा में है, तो हल्फा यहाँ भर लेंगे। और चौथे में दिया हुआ है मौजे का नाम, तो यहाँ अपना मौजा भर लेंगे। ये भरने के बाद में इधर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे कि किससे आपको अपना विवरण देखना है। तो पहला है वर्तमान भाग, दूसरा है रैयत का नाम, रैयत का नाम से खोजें, और चौथा खाता संख्या से खोजें, और चौथा है प्लॉट नंबर से खोजें, और समस्त पंजी 2 के नाम के अनुसार देखें। तो इसमें आपको जो भी सुविधा लगे, जैसे आप खाता नंबर आपको अगर याद है तो खाता नंबर के द्वारा खोज सकते हैं, अगर आपको वर्तमान भाग याद है और पृष्ठ संख्या तो इससे भी आप खोज सकते हैं। मैं वर्तमान भाग पर क्लिक करता हूँ, वर्तमान भाग यहाँ अपना वर्तमान भाग दे देंगे, और इधर पृष्ठ संख्या जो भी आपका पृष्ठ संख्या है इधर आप भर देंगे। अब भरने के बाद में एक कैप्सा है यहाँ नीचे जिसे बोलते हैं सुरक्षा कोड, तो एक कैप्सा कोड को यहाँ नीचे फिल कर लेंगे। एक कैप्सा फिल करने के बाद नीचे 2 ऑप्शन है, खोजे और रद्द करें। तो हमें खोजना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए, जिनका खोजना था उनका नाम, खाता संख्या, वर्तमान भाग, पृष्ठ संख्या, वर्तमान, और देखें। तो हमें क्या उस
ये सारा विवरण दिख रहा है, ये बगल में देखे का एक बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के विवरण उनका सामने आ गया, उनका नाम कहाँ, पूर्वी सिंहभूम, अंचल का नाम, मौजे का नाम, थाना का नाम, तेजी संख्या, खाता प्रकार, रैयत का नाम, ये सारा डिटेल्स उनका सामने आ गया। उसके बाद उसके नीचे है प्लॉट की विवरण, आपका प्लॉट कितना है, ये सारा विवरण आ गया। लगान का विवरण, किस किस ढंग से आपका लगान लगता है, ये सारा मिल गया। अब यहाँ नीचे तीन ऑप्शन दिया हुआ है, बकाया देखें, पिछली भुगतान देखें, पुनः खोजें। तो बकाया देखना है मुझे, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, बकाया पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ये सारा विवरण फिर से दिखने लगा और आपका बकाया कुल कितना है यहाँ शो होने लगा। उसके बाद में यहाँ नीचे दो ऑप्शन और आ गए, पिछली भुगतान देखें, ऑनलाइन भुगतान करें। तो हम लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन भुगतान करना है, तो ऑनलाइन भुगतान वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये सारा विवरण सामने खुलकर आ गया कि कितना कितना आपका लगान कटता और किस किस चीज़ में लगता है, ये सारा विवरण सामने आपको दिखेगा। दिखने के बाद में ये जो कुछ नोटिस है, ये नोटिस को आप लोग एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद एक नीचे देखे एक बॉक्स है, बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक करने के बाद में एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, इस पॉपअप विंडो को आप लोग ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में इधर नीचे भुगतान करें, भुगतान करें पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा जहां आपको पेमेंट शो होने लगेगा। तो यहां आएंगे पेमेंट वाले पेज पे आने के बाद यहां नीचे देखिए ये सारा पेमेंट का विवरण दिया हुआ है। और यहां हम लोग क्या करेंगे, SBI ePay इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में ये सारा आपका डिटेल्स सामने आ चुका है, कौन से ईयर का काटना चाह रहे हैं, ये सारा आपको इधर शो होने लगेगा। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन है आई एग्री, एग्री पे क्लिक करेंगे और इधर प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। एक पॉपअप विंडो ओके ऑन होगा, इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये नेक्स्ट पेज पे आपको पेमेंट वाले पेज पे लेके चला जाएगा। अब यहाँ आपको तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, डेबिट कार्ड कि आपको पेमेंट किस मूड में देना है, डेबिट कार्ड से देना है, क्रेडिट कार्ड से देना है, या इंटरनेट बैंकिंग से देना है, या भीम UPI से देना है। आपके पास इसमें से जो भी सुविधा है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। और किस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है, इधर SBI का ऑप्शन दे रहा है, SBI पे क्लिक करेंगे और इधर पे नो पे क्लिक कर लेंगे। पे नो पे क्लिक करने के बाद ये SBI वाले ऑप्शन पे लेके चला गया। लॉगिन पे क्लिक किए, ये आपका अमाउंट शो होने लगा, 16 रुपये 19 पैसे। अब यहाँ से आप लोग कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद अकाउंट नंबर, इस अकाउंट नंबर से पैसा डेबिट हो जाएगा। सेविंग अकाउंट, ब्रांच, ये सारा बैंक का आपका डिटेल दिखा रहा है, कितने पैसे कटेंगे ये सारा शो हो जाएगा। शो होने के बाद यहाँ पे अगर आप पढ़ लेंगे इसे बढ़िया से, पढ़ने के बाद यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में एक आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा, OTP को इधर दर्ज कर देंगे, इंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड। OTP दर्ज करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे, OTP अपना ध्यान से भर लेंगे। सही OTP भरने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, देखिए अपना पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों
आप बहुत ही आसानी के साथ अपना लगान पे कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने से भी आप बच सकते हैं। देखिए, पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। इसी तरह अपना आप लोग भी लगान का रसीद काट सकते हैं और उसके बाद में लगान का रसीद आपको आप डाउनलोड करनी है। तो ये पेमेंट आपका पूरा क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद यहाँ देखें, लगान का रसीद, पिछली भुगतान देखें। तो हमें लगान का रसीद चाहिए, पैसे तो दे दिए हमने, तो रसीद भी चाहिए होगा। तो रसीद लेने के लिए रसीद पर क्लिक करेंगे और ये देखें, अपना इधर रसीद तैयार हो गया। ये आपका जो अभी कटा पैसे, उसका ये रसीद हो गया। तो ये 10 रुपये कटे, लेकिन आप जाएंगे तो इसके लिए आपको 50, 60 या 100 रुपये भी खर्चे हो सकते हैं। तो इसी प्रोसेस से आप लोग भी बहुत ही आसानी के साथ अपना लगान पे कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पैसे जो देने पड़ते थे, इससे भी आप लोग बच सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग खुद से अपना लगान पे कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पैसे देने से भी आप बच सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।